हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं जसमीत कौर रॉयल क्राफ्ट की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैंने एक बहुत ही प्यारा सा जॉर्जेट के फैब्रिक के ऊपर ए लाइन शर्ट बनाने के लिए छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए हैं। क्लाइंट को चाहिए था कि उनको सिंगल कलर में सारी की सारी पेंटिंग चाहिए थी, तो उन्होंने एक बड़ा ही प्यारा सा कलर चूज़ किया है। सो चलिए आज मैं आपको भी बना के सिखाती हूँ। जो बिगनर्स हैं वो इसको ईजिली बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने व्हाइट कलर से ये बनाया है। व्हाइट कलर में मैंने बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में मीडियम को यूज़ किया है। आप ज़्यादा क्वांटिटी मीडियम की नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि जो जॉर्जेट का फैब्रिक है वो थोड़ा सा कलर को अब्जॉर्ब भी करता है। अब्जॉर्ब करेगा तो वो व्हाइट कलर जो है उसकी प्रॉपर लुक नहीं आ पाएगी। तो ज़्यादा इसमें मीडियम नहीं डालना, ज़्यादा पतला नहीं करना है। मैं फ्री हैंड ड्राइंग कर रही हूँ इस पे। मैंने कुछ भी नीचे मार्किंग नहीं की है कि कहाँ पे क्या चीज़ बनानी है। पहले मैंने एक लीफ बना ली है। लीफ बनाने के बाद मैं इसको एक साइड से फिल कर दूंगी। फ्रेंड्स, वाइट कलर से जब हम पेंटिंग करते हैं तो अगर हम ज़्यादा थिक नहीं करेंगे तो नीचे से ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा दिखाई देगी, इसीलिए हमें थोड़ा थिक कलर यूज़ करना है। फ्रेंड्स, मैं ये अड्डे पे बना रही हूँ क्योंकि मुझे क्लाइंट्स को जब सूट देने होते हैं तो थोड़ा जल्दी देने होते हैं, इस वजह से मैंने अड्डा बनाया हुआ है। सो उस पर मैं लगा लेती हूँ जब सूट पेंट करना होता है, ताकि एक ही बारी में सारी पेंटिंग हो जाती है। आप चाहे तो आप फ्रेम पे भी इसको बना सकते हैं इजीली। सूखने के बाद आप फ्रेम को चेंज करते रहिए। मैं फिर से साइड में फिल कर लूंगी। ये हम पांच पत्तियों का फ्लावर बनाएंगे। देखिए, मैंने रैंडम ही ड्रॉ की है, बिल्कुल फ्री हैंड। फ्रेंड्स, जिससे फ्री हैंड पेंटिंग नहीं होती है तो वो नीचे पेपर को भी जैसे टक कर लेते हैं, क्योंकि जॉर्जेट फैब्रिक ट्रांजी होता है। तो अगर आप नीचे ड्राइंग किया हुआ पेपर रख लेंगे और ऊपर से एक बार आउटलाइन कर देंगे तो भी आपका फ्लावर अच्छा बनेगा। और ये जो हमें फिलिंग भी करनी है वो भी हमें रैंडमली करनी है। इस तरीके से जो फ्लावर है थोड़ा ओरिजिनल टाइप्स की लुक देता है। उसके बाद हम इसके बीच में हल्की हल्की लाइंस क्रिएट कर देंगे। फ्रेंड्स, इस काम के लिए जो मैंने ब्रश लिया है वो 0 नंबर का ब्रश लिया है, क्योंकि मुझे उससे थोड़ा सा ज्यादा इजी रहता है बनाने के लिए। आप चाहें तो आप कोई भी नंबर का ब्रश ले सकते हैं अगर आपको मोटा बनाना है। अगर आपको बारीक ही फ्लावर बनाने हैं तो आपको 0 नंबर ही लेना पड़ेगा। एंड इसके बाद हम लीव्स बनाएंगे। और लीव्स के अंदर लाइंस क्रिएट कर देंगे ताकि थोड़ी अच्छी सी लुक आए।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे बहुत ही इजी तरीके से बनने वाले एक ही कलर से बनाए गए जो फ्लावर्स हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। इसी तरीके से मैंने पूरा का पूरे सूट पे ऊपर बनाया है। आप भी इसको बड़े इजी तरीके से बना सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस रेगुलरली डाल पाऊँ, बिकॉज पहले मेरे को काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि आप वीडियोस नहीं डाल रहे हो, मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। सो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलरली डालूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।